बाय ज्योग्राफी। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में सुमलित है, लिफू लेक दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हाँ, सुमलित नहीं है। नाथुला कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा हिमाचल पर है। पालघाट केरल। नाथुला दर्रा कहाँ? आइए यहाँ यहाँ पर क्या है? पालघाट दर्रा कोयम्बटूर तमिलनाडु। पलक्कर केरल में है। उत्तरी मैदान में नीलगिरी पहाड़िया, दक्षिण में अन्नामलाई के पहाड़ी के बीच स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। नाथुला जम्मू कश्मीर में है। सबसे पुराना गिरजाघर अजय, सबसे पुराना जो है पादरी की हवेली है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। पादरी की हवेली पटना में स्थित है। पादरी की हवेली के दूसरा नाम बिसलेट वर्जिन मेरी दर्शन है। रोमन कैथोलिक प्रथम बार 1713 में पटना के इस गिरजाघर का निर्माण किया गया। एक विनीशियन वास्तुकार टी रेटो ने 1772 मौजूद गिरजाघर को फिर से डिजाइन किया। गिरजाघर ने 1783 में नवाब मीर कासिम और 1857 में स्वतंत्रता युद्ध सहित कई मामलों में सहन किया। लिन्यूक चर्क दानापुर छावनी में पटना गांधी मैदान भाग में 12 किलोमीटर दूर ब्रिटिश सैनिक ने 1830 में ल्यूक चर्च का निर्माण किया। स्टीफन चर्च यह पटना में स्थित है। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण और पश्चिम पठार में तीन प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियां से बना यह विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहा जाता है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपात से स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ के निपेक्ष से इस भाग का निर्माण हुआ। यहाँ 7 लाख वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्रफल में फैला है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर। भारत का विभाजन हिमाचल नॉर्दर्न इंडिया डेक्कन प्लेट्यू हिमालय रेंज वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट उत्तर के मैदानी भाग। उत्तर के तीन प्रमुख प्रणाली सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र अर्थात इसकी सहायक नदी परस्पर क्रिया द्वारा बना है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। लाखों वर्ष में हिमालय की तलहटी में पड़े एक विशाल बेसिन में जलोढ़ के जमाव से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। भारत की मिट्टी मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाले दानेदार पत्थर जिसकी निर्माण मूल रूप से चट्टानों में विखंडित होने पर वनस्पति जीवों के सड़ने गरने और जलवायु की प्रक्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थ के लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा के रूप की जरूरत। मिट्टी के अध्ययन में विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया। पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी है। भारत का सबसे ज्यादातर क्षेत्रफल पाए जाने वाले 4 प्रकार की मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। भारत की सभी मिट्टी मुख्यतः 3 तत्व की कमी है नाइट्रोजन फॉस्फोरस ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गरने विघटन से जो वो कार्बनिक पदार्थ निर्मित हुआ उसे ह्यूमस कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में लाके मैदानी भागों में बिछा दी जाती है। हाँ, दोमट मिट्टी को दूसरा कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्षेत्र में भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान है। प्रचुरा चूना और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कमी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। क्षेत्रीय मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूं तिलहन की खेती के लिए भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। काली मिट्टी इसका निर्माण आग्नेय चट्टान के अपक्षयण से हुआ है। इस मिट्टी के अवनावर संरचना इसी लावा के कारण बनती है। ढक्कन के पठार जो मृदा मौजूद होते हुए काली बेसाल्ट मैदान है मृदा है जो लोहे ह्यूमस से भरे होते हैं और इससे अच्छी मात्रा में चूना मैग्नीशियम एल्युमिनियम होता है। बेसाल्ट एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। यह सतह पर बेसाल्टिक लावा की तेजी से जमने के कारण बनता है। काली मिट्टी या कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ज्वालामुखी विस्फोट बेसाल्ट चट्टान काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कपास की मिट्टी लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का नाम टिटेनिस फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसे ब्लैक मैग्नेट कहा गया है। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी को जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसमें सब जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है जिस कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। मध्य प्रदेश गुजरात
महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा विस्तार भी महाराष्ट्र को देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाली क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा सिलिका की अधिकता होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी जल योजित रूप से होती है, तब यह पीली पड़ जाती है। लेटेराइट मिट्टी भूरे रंग का होता है। हाँ, इसका लाल मिट्टी क्या होते हैं, फेरिस ऑक्साइड के लेटेराइट मिट्टी भूरे रंग का होते हैं। अनिवार्य रूप से एल्युमिनियम लोहे के हाइड्राइट ऑक्साइड का मिश्रण से बना है। आयरन ऑक्साइड नोडुल्स के रूप में पाए जाते हैं। यह लोहे और एल्युमिनियम के समृद्ध है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और मैग्नीशियम का खराब। इसकी धारण जल धारण क्षमता मध्यम है। जीवाणु गतिविधि बहुत अधिक होती है। भारी वर्षा में ह्यूमस का रिसाव होता है। इसके परिणाम से ह्यूमस की मात्रा के माध्यम से कम होती है। लेटेराइट मिट्टी इस मिट्टी में पाई जाती है। यहाँ 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। मखरेली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लोह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी के निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल को देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। लवणीय मिट्टी जब मिट्टी की प्राकृतिक क्षारीय होती है, उसे नमक की मात्रा बढ़ जाती है, उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी में रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ रण में देखने को मिलता है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी में NaCl की बड़ी मात्रा होती है। मिट्टी बंजर है, इसे रेस, उसर, कल्लर, राकर, थूर और चौपान भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट मौजूद होते हैं। यह दलहनी फसलों में के लिए उपयुक्त है। गठन एवं वितरण यह प्राकृतिक और मानवजनित दोनों होते हैं। प्राकृतिक यह इसमें राजस्थान की सूखी हुई झील, कच्छ की किरण शामिल है। यह पलाया बेसिन रेगिस्तान के बीच में एक मिट्टी का बेसिन से उभरा है। मानव जनित यह खराब कृषि के कारण पश्चिमी यूपी और पंजाब में विकसित किया जाता है। विशेषता नमी, ह्यूमस और जीवित सूक्ष्म जीव के कारण परिणाम से ह्यूमस का निर्माण लगभग अनुपस्थित थी। रेगिस्तान मिट्टी यह मिट्टी हवा की क्रिया द्वारा जमा की जाती है। मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क जैसे राजस्थान, अरावली के पश्चिम, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और पश्चिमी भागों में, पंजाब के दक्षिण भागों में पाई जाती है। इसमें नमी की मात्रा का अभाव होता है। ह्यूमस सामग्री कम, नाइट्रोजन मूल रूप से कम है, लेकिन इसमें कुछ नाइट्रेट के रूप से उपलब्ध है। वे कम कार्बनिक पदार्थों के साथ रेतीले है। जीवित सूक्ष्म जीव सामग्री में कम है। लोहे की मात्रा भरपूर होती है। फास्फोरस सामग्री लगभग पर्याप्त, चूने एवं क्षार में समृद्ध है। इसमें बहुत सारे कम धारण करने क्षमता के साथ कम घुलनशील लवण और नमी होती है। यह सिंचाई की जाती है। यहाँ मिट्टी उच्च कृषि लाभ देती है। यह कम पानी वाले फसलों जैसे बाजरा, दलहन, चावल और गंवार के लिए उपयुक्त है। रेगुर मिट्टी किसे काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षयन के कारण क्रिस्टलीय काल के अधिकांश काली मिट्टी मूल सामग्री ज्वालामुखी चट्टाने हैं, जिनका निर्माण ढक्कन के पठार, ढक्कन राजमहल में हुआ है। तमिलनाडु में मूल सामग्री में गणिश में विद्यमान में पूर्व पर्याप्त गहरे, जबकि बाद वाले आमतौर पर उथले हैं। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए क्यों मिलाया जाता है, उसमें चूना मिलाया जाता है। मिट्टी की अम्लता को सुधार किया जाता है। मिट्टी में पीएच नींबू चूना मिलाने का बढ़ जाता है। चूना मुक्त कैल्शियम आयन और कार्बनिक एसिड बनाने में CO2, H2O, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आयनों और संयोजित मिट्टी के अम्लीयता का किया जाता है। कौन सी मिट्टी ईंटों में उपयुक्त मानी जाती है, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट कहता है लैटिन में ईंट, नमी खोने में बहुत कठोर होता है, थोड़ी चिकनी, लाल रेत पत्थरों में अधिक बाजरी के कारण लेटेराइट रंग होता है। लेटेराइट का मैदान लेटरिक मृदा, पश्चिमी घाट के शिखर पर निरंतर समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर ऊपर पश्चिमी पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, बिंध, सतपुरा और मालवा पठार में पाई जाती है। लेटेराइट का वितरण लेटेराइट पश्चिमी घाट के शिखर पर निरंतर समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर ऊपर पाया जाता है। पश्चिमी घाट राजपाल के बिंद, सतपुरा, मालवा के पठार में पाई जाती है।
काली मिट्टी का विस्तार क्या है? इनमें से महाराष्ट्र में, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र, भारत में निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षयन के कारण निर्मित हुआ है? तो काली मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जल बेगू बंगर कहते हैं। रेगुर काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ सही कौन सा है? जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है? तो चार प्रकार की मिट्टी है। भारत की मृदा का प्रकार जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी भी कहा गया है। जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी कहा गया। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय और झारीय मिट्टी, दलदल एवं युक्त मिट्टी। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी भारत के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। यह मृदा पंजाब के असम तक विशाल मैदानी भाग, नवेदा, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी नदियों के घाटियों और केरल के तटवर्ती भाग में 15 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का हुआ है? भारत में सर्वाधिक विस्तार जो हुआ है जलोढ़ मिट्टी पर हुआ है। सर्वाधिक विस्तार भारत के सर्वाधिक में, यह भारत के इतना किलोमीटर 43.4 क्षेत्र पश्चिम में सतलज नदी के पूर्व ब्रह्मपुत्र घाटी पर विस्तृत है। उत्तर मैदान का बाहरी हिस्सा बाढ़ मैदान के ऊपर स्थित है। पुराने जलोढ़ मिट्टी बना हुआ है। कौन सा? बांगर है। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। वे नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित है और एक छत जैसी संरचना बनाते इस भाग को बांगर के नाम से। उत्तरी मैदान क्षेत्र में मिट्टी के स्थानीय रूप से कचनार के रूप में जाना जाता है। बाद में मैदान में छोटे मैदानों के नए छोटे निक्षेपों को खादर कहा जाता है। बांगर मिट्टी क्या था? बांगर मिट्टी उच्च ताप पर बाढ़ के स्तर 30 मीटर ऊपर ऊंचाई पर होती है। खादर मिट्टी घाटी के निचले हिस्सों में पाई जाती है। घाटी के निचले हिस्से में प्रत्येक वर्ष आती है। यह बनावट में मोटी होती है। यह मिट्टी बनावट की महीन होते हैं। यह तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ और तुलनात्मक रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ और कृषि के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की जरूरत होती है। दक्षिण का पठार प्रायद्वीपीय पठार आकृति में दृष्टि से त्रिभुजाकार है। पश्चिम गोंडवाना द्वीप भूमि पर का अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विद्यांचल, सतपुरा की पहाड़ी है। पश्चिम और पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ है। पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियाँ, गुंबदकार पहाड़ियाँ है। हाँ, इसके पठारी भाग दो भागों में है। दक्षिण का पठार भारत ही नहीं अपितु विश्व का प्राचीनतम पठार है। यह आर्कियन युग के चट्टानों से बना है। इसका कोई भी भाग समुद्र के नीचे नहीं डूबा है। विवर्तनिक दृष्टिकोण से शांत क्षेत्र होने के कारण यह भूमि के भूकंप की संभावना काफी कम होती है। हालांकि कोयना लातूर में आए भूकंप के स्पर्श का चिन्ह लगाया गया, जहाँ दक्षिण के पठार की उत्तरी सीमा अरावली, कैमूर, राजमहल, शिलांग की पहाड़ियां बनाती है। यहाँ खारी दक्षिण छोर पर कन्याकुमारी में स्थित है। अरावली, विद्यांचल, सतपुरा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी। ढक्कन का पठार ढक्कन ट्रेप भी कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित है। लगभग 5 लाख किलोमीटर वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग में से आते हैं। यह लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर है, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत कम है। ढक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। बेसाल्ट में बहुत महीन दाने वाली संरचना होती है, क्योंकि यह बहुमुखी आग्नेय चट्टान है। ढक्कन का पठार खनिज निक्षेपण और कुछ कीमती पत्थरों से समृद्ध है। पठार का उत्तर पश्चिम भाग लावा, प्रवाह या आग्नेय चट्टानों से बना है, जिसे ढक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी प्रांतों में से एक से बनाया गया। ढक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण भारत का पठार
दक्षिण भारत के पठार में कौन कौन सा है? देखिए ये केंद्रीय पठार है, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट का ये पूरा हिस्सा है, तेलंगाना का पठार है, अजंता, बालसिनी, ढक्कन का, मेकाले, बुंदेलखंड, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, परावली, अथार, कक्ष, खम्भात, मालवा का पठार, ढक्कन का छोटा नागपुर, शिलांग का पठार, ढक्कन का पठार त्रिकोणीय आकार पठार कौन है? दो नंबर है सतपुरा की पहाड़िया। देश से ढक्कन के पठार के पश्चिमी और कम वर्षा वाले भाग के है, तो लाल मृदा जो है ढक्कन के पठार कम वर्षा क्रिस्टल आग्नेय को विकसित करता है। प्रायद्वीपीय पठार के सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? प्रायद्वीपीय पठार नीलगिरी है। ढक्कन के पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह पश्चिमी घाट, पश्चिम में पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुरा, मेकाल पर्वत, श्रीलंका की है। इसके पश्चिमी पहाड़ में स्थानीय भाग में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में सहयाद्री में, कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़िया, तमिलनाडु में अन्नामलाई की पढ़ाई, केरल में इलायची की पढ़ाया। अन्नामुड़ी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट पर सबरीमाला पहाड़ी पर एक दूसरे से मिलते हैं। नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत डोडा बेटा, पूर्वी घाट का जिंगधरा शिखर, पश्चिमी घाट का अन्नामुड़ी, अरावली का गुरु शिखर, अरावली पर्वत, यह एक अवशिष्ट पर्वत है जो प्राचीन में मोहनदार पर्वतों में से है। यह पर्वत गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। हाँ, अरावली पर्वत गुरु शिखर है, आबू पर्वत स्थित है, यहाँ पर जैनीय प्रसिद्ध धर्म जैन धर्म स्थित है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट पर आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंति तक 1600 किलोमीटर तक लंबाई तक फैला है। इसे सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं। यह चार प्रमुख के दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेन घाट है। दक्षिण की ओर और पश्चिमी घाट और पर्वत नीलगिरी पहाड़िया द्वारा पूर्वी घाट पर मिलते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2670 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी 2695 है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी समुद्रीय तट के मैदान समांतर महानदी के घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्व दिशा में 1800 मीटर किलोमीटर लंबाई मीटर में पूर्वी घाट पर्वत माला मेला में फैला है। यह पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार नदी घाटी में ताब नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट दक्षिण के पठार में पश्चिम में स्थित है, जो अवशिष्ट पर्वत के रूप में है तथा लगातार न होने के बीच टूटा फूटा हुआ है। अरावली विंध्याचल सतपुरा, पश्चिमी घाट को नीलगिरी। अफ्रीका से भारत अलग होने के बाद कर्म में अरब सागर के रूप में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। भ्रंश कागार के रूप में पश्चिमी घाट पर रह गया है। इसके कारण पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट का दाल परिश्रमी दाल अधिक तीव्र है, ढाल अधिक तीव्र है। इसके दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां है, जिसे पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल कहा गया है। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर चोटी पर है। विंध्याचल में सतपुरा की पहाड़ियां, नर्मदा रिवर। पश्चिम घाट पर्वत में कुछ दरों का विकास हुआ है। यह जिसे थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है, थाल घाट नासिक से मुंबई और भोर घाट पुणे से मुंबई। देखिए इसको कैसे याद करना है, ये देखिए, जैसे थाल घाट है ना, और भोर घाट महाराष्ट्र में, थाल घाट थाली कहाँ, थाली थाल घाट, देखो टी एन नंबर होता है। टी एन नंबर क्या होता है? टेलीफोन नंबर क्या होता है? नासिक टू मुंबई। देखो टी एन एम क्या होगा? थाल घाट नासिक मुंबई, मतलब टी एन एम क्या होता है? टी एन एम क्या होता है? टी और एन और एम, टी एन एम। ये हो गया थाल घाट, एम से हो गया नासिक, एम से हो गया मुंबई। अब भोर घाट बीपी होता है ना, बीपी, बी से भोर हो गया, पी से पुणे हो गया, अब बीपीएम, एम से मुंबई हो गया बीपीएम, टीएनएम बीपीएम, मतलब कि बीपी हो गया आपका और एम जोड़ दीजिए मुंबई, मुंबई दोनों में कॉमन है। पहला थाल घाट में नासिक टू मुंबई और दूसरा है पुणे से मुंबई बीपी, भोर घाट। अन्य दल्ला पाल घाट केरल टू
पीके मूवी देखे है, पीके मतलब पी से पालघाट आ के से केरल, केरल राज्य में स्थित है। हाँ, दक्षिण भारत के दो प्रमुख कोच्ची एवं चेन्नई को जोड़ता है, जो कोच्ची एवं पीके किसको कोच्ची और चेन्नई को जोड़ता है, कोच्ची चेन्नई दक्षिण भारत दो प्रमुख शहर कोच्ची और चेन्नई को जोड़ता है। आगे आइए, पश्चिमी घाट श्रीलंका भारत के किस राज्य में स्थित है, पश्चिमी घाट आपका गुजरात राज्य में, पश्चिमी घाट कहाँ गुजरात राज्य में। पश्चिमी घाट की सीमा गुजरात के से शुरू होती है, कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। चार जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और स्विट्जरलैंड निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, पश्चिमी घाट सबसे अन्नामुडी, अन्नामुडी केरल में स्थित, अन्नामुडी केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, अन्नामुडी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामुडी की ऊंचाई 2,695 है, अन्नामुडी का अर्थ है हाथी का सिर, जनरल डगलस हैमिल्टन ने अन्नामुडी की पहली दर्ज चढ़ाई की। अब आते हैं आगे, पश्चिमी घाट निम्नलिखित में किस राज्य में फैला हुआ है, समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, चार नंबर महाराष्ट्र कर्नाटक केरल। पूर्वी घाट कौन है, इसका विस्तार उड़ीसा से प्रारंभ होकर तमिलनाडु तक है, यह प्राचीन मोरदा पर्वत का अवशिष्ट रूप है। पश्चिमी घाट की तुलना में इसका अपरदन अधिक होने से पश्चिमी घाट में कम ऊंचा है, नदी अपरदन के कारण इसकी क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है, गोदावरी से कृष्णा नदी जैसे नदियों ने इसे काटकर काफी चौड़ा चौड़ी घाटियों का विकास किया है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम में, इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक पहाड़ी में सतपुरा पर्वतमाला है, जो राजपिपला महादेव तथा मकाले पर्वत श्रेणियों का समूह है। सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती घाटियों के मध्य स्थित, महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ सतपुरा का सर्वोच्च शिखर है, आंतरिक पहाड़ियों में दूसरी पर्वत विध्यांचल श्रेणी है, विध्यांचल भांडेर कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों की समूह है, विध्यांचल पर्वत भांडेर कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियों का समूह है। तेरा सतपुरा से सर्वोच्च शिखर आंतरिक पहाड़ी में दूसरी पर्वत विध्यांचल पर, ये यूपी में विध्यांचल, विध्यांचल भांडेर कैमूर की पहाड़ियाँ, अपना बिहार आ गया कैमूर, पारसनाथ जहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ियाँ, झारखंड में पारसनाथ है। पूर्वी घाट किन नदियों के बीच पूर्वी तट के समांतर है, तीन महानदी और वैगई। प्रायद्वीपीय पठार भारत के प्रायद्वीपीय भारत कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त है, जैसे ढक्कन का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, मेघालय का पठार, कर्नाटक का पठार और दंडकारण्य का पठार प्रमुख है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कुछ इसे राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों के करती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर नागपुर पठार में दरार घाटी के मध्य में बहती है। छोटा नागपुर पठार अपने समृद्ध खनिजों के कारण औद्योगिक भारत के दिल के रूप में जाना जाता है। दामोदर घाटी छोटा नागपुर पठार में दरार घाटी के मध्य में बहती है। छोटा नागपुर पठार अपने समृद्ध खनिजों के कारण औद्योगिक भारत के दिल से के रूप में जाना जाता है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग के पठार, ढक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार किन राज्यों में है, उपयुक्त सभी में। छोटा नागपुर का पठार किन शहर में स्थित है, रांची शहर में है। छोटा नागपुर के पठार के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, चार नंबर 1, 2, 3, 4 ग्रेनाइट और गेनिस चट्टानों से बना है, महानदी के बेसिन उत्तर या खनिज संसाधनों में या कम वर्षा होती। तेलंगाना का पठार, यह पठार प्रायद्वीपीय भारत का लगभग समतल भाग है, जिसे गोदावरी नदी दो भागों में बांट दिया गया। तेलंगाना का पठार रायसीमा का पठार, इस क्षेत्र में कैम्बियन काल की ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती है। उत्तरी भाग में पहाड़ी विशेषता वाला है तथा वनों से ढका हुआ है, जबकि दक्षिण में रायशिला और भाग पर समतल भूमि है। माउंटेन तेलंगाना का सर्वोच्च चोटी कौन है, डोडी गुट है, डोडी गुट है। तेलंगाना का सर्वोच्च चोटी कौन है, डोडी डोली गुट्टा, डोली गुट्टा तेलंगाना के सबसे ऊंची चोटी है। डोली गुट्टा ढक्कन में पठार में स्थित 965 मीटर है। माउंटेन सरमती 3826 मीटर नागालैंड में स्थित एक ऊंची चोटी है। माउंट सरमती नागालैंड में है। डोली गुट्टा ढक्कन के पठार में 965 मीटर ऊंची है। शिलांग पिक मेघालय में स्थित 1961 ऊंची मीटर है। सेडल पिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित 732 चोटी है।
कर्नाटक का पहाड़िया है। यह पठार कर्नाटक केरल के कुछ भागों में स्थित जो अत्यधिक विच्छेदित है। इसका उत्तरी भाग एक उच्च भूमि का चौड़ा पठार है। यहाँ कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिण भाग में मैसूर का पठार स्थित है। इस पठार का दक्षिणी सीमा नीलगिरी की पहाड़ियाँ बनाती है। भारत का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र बाबू बुदन की पहाड़ियाँ इसी पठार में कर्नाटक के पहाड़ में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कर्नाटक पहाड़ की पहाड़ियों में है? तो तीन नंबर है मालनाड। मालनाड जो है कर्नाटक का पठार दो भागों में मालनाड मैदानी भाग में। मालनाड क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि मैदानी निचली पहाड़ियों का मैदानी भाग है। कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी बाबा बुदन की पहाड़ियां मुलंगगिरी है। कर्नाटक पहाड़ का उद्गम कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में हुआ है। कर्नाटक का पठार जो जोग प्रताप और शिव समुद्रन प्रताप उद्गम स्थल है। आगे आते हैं छोटा नागपुर झारखंड और पारसनाथ की पहाड़ियां, सेडल हाईलैंड विंध्य और सतपुरा राजस्थान और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सद्भाव मना शिखर विंध्य और सतपुरा है। पश्चिमी घाट केरल तमिलनाडु कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र और गुजरात है। अन्नामुलाई की पहाड़ी है उच्चतम शिखर। झारखंड में पारसनाथ ऊंची है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राजस्थान में कौन है? सद्भावना शिखर। उत्तर प्रदेश में कौन है? विंध्य पर्वत। महाराष्ट्र में धूपगढ़। मध्य प्रदेश में सतपुरा। केरल तमिलनाडु कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र और में अन्नामुली। ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है जिंग गदरा की। पूर्वी घाट में कौन है? जिंदगरा की चोटी है। तटीय मैदान सागर और नदी में 150 से 200 किलोमीटर दूरी तक फैले भूभाग को तटीय मैदान कहते हैं। मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे पर है तटीय मैदान कहलाता है। भारत के कौन सा तटीय भाग के मैदान संबंधित है? पश्चिमी तटीय मैदान हाँ और पश्चिमी तटीय कौन सा है इनमें से दोनों। भारत के मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है। भारत का मरुस्थल राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। यह 644 किलोमीटर दूर लंबा 160 किलोमीटर चौड़ा है। कुल क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह शुष्क जलवायु क्षेत्र है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम होती है। बरसात के मौसम में कुछ नदियाँ नजर आती है, कुछ समय बाद ही बालू में विलीन हो जाती है। बालू के डिब्बों और बरखान के विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ की एकमात्र बड़ी नदियाँ लूनी है। यहाँ भारत के प्रवाह सबसे अधिक लंबी नदी है। इस नदी के अंत कक्ष के रन में हो जाता है। कहाँ तक लास्ट हो जाता है इसमें कक्ष के रन में? द्वीप समूह भारत की समुद्र सीमा के अंदर 1256 द्वीप है। यह प्रमुखता दो समूह में है। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में 572 जिसमें 36 द्वीप की आबादी पाई जाती है। अरब सागर में 47 द्वीप है। इसके अंतर्गत गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कई छोटे मोटे द्वीप है। इस प्रकार से गुजरात केरल महाराष्ट्र कर्नाटक तट पर अनेक द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी के भी के बड़े द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप के 10 डिग्री चैनल दो भागों में बांटती है। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। 6 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश दिसंबर 2004 में आई सुनामी में पूर्णतः डूब गया, किंतु फिर से पूर्वी स्थिति में प्रकट हो गया। द्वीप समूह लक्षद्वीप देखिए पहला कौन है? लोअर अंडमान पोर्ट ब्लेयर अंडमान से लिटिल अंडमान मिडिल अंडमान लोअर अंडमान पोर्ट ब्लेयर लिटिल अंडमान कार निकोबार। भारत की कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंटेन एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है। निम्नलिखित कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? गुरला मंदता नालंकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जो हिमालय की सबसे एक छोटी श्रीलंका इसका नाम इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंश के राजा मंदंता के नाम से रखा गया है। यह नेपाल के उत्तरी पश्चिम कोने के पास तिब्बत के नगरी प्रांत में बुरेंग प्रदेश में स्थित है। यह विश्व की 34वीं सबसे चोटी है। यह तिब्बती पठार के भीतर स्थित है। नामचा वर्मा हिमाचल प्रदेश का एक पर्वत है। सिंधु नदी में ब्रह्मपुत्र तक फैले हिमालय का प्रारंभिक ठहराव इसी पर्वत श्रीलंका का पूर्वी सहायक थे। कामेट उत्तराखंड भारत के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरे सबसे बड़े पर्वत है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। स्वरूप विशाल शिखर से मिलता जुलता है। दो शिखर के रूप में समतल शिखर क्षेत्र। नंगा पर्वत क्या है?
नंगा पर्वत नौवां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह समुद्र तल से 8126 मीटर की ऊंचाई पर, यह भारत के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में दिया आमेर जिले में स्थित है। नंगा पर्वत हिमालय के पश्चिम सहारा। नंगा पर्वत नाम संस्कृत शब्द नंगा और पर्वता से लिया गया, जिसका अर्थ नंग पर्वत है। स्थानीय रूप से अपने तिब्बती नाम से दियामेर और देव मीर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ विशाल पर्वत। बिहार के उत्तरी पश्चिम किनारे में हिमालय की कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक पहाड़ी बाहरी हिमालय की पर्वत श्रीलंका है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी भाग में सिंधु नदी के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से 2400 किलोमीटर तक फैली हुई। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। प्लेट वितरांतिक एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो पृथ्वी के स्थलमंडल में बड़े पैमाने पर गतियों की व्याख्या करता है। साथ ही महाद्वीप महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चावास के निर्माण और भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं और भौगोलिक वितरण की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। सैडल पीक की ऊंचाई कितना है? सैडल पीक की ऊंचाई 642 मीटर है। भारत की सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? प्रायद्वीपीय पठार है। हिमालय के तीन श्रेणी का नाम कौन है? वृहत हिमालय, लघु हिमालय, बाहर हिमालय या शिवालिक। वृहत हिमालय हिमाद्री, लघु हिमालय मध्य हिमालय और बाहर हिमालय शिवालिक। काराकोरम में सबसे ऊंचा शिखर का क्या नाम है? गाडविन अस्टिन तथा गोरी नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? तो पूर्वीय तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा, इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। तो पूर्वीय तटीय मैदान पश्चिमी तट से अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तटीय मैदान के तीन झीलों के नाम क्या? चिल्का झील, पुलिकट, बेवनाथ झील। पश्चिमी घाट के दूसरा नाम क्या है? सहयाद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सहयाद्री है। आज के लिए इतना ही। द इंड।